सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस, पिछली भूत वाली वीडियो में ना हम दोनों पिटबुल को लेके गए थे और भाई उन्होंने काफी ज्यादा हरकतें की थी। चाचा भी थे साथ में और राहुल भाई भी था। भाई पिटबुल ने अपनी पूछ नीचे कर ली थी और हमें भी काफी ज्यादा डर लग रहा था उस जगह पे जाके, और पिटबुल हमें भी भगा के ले गए थे। तो अभी उसी जगह को दिन में जाके देख के आ रहे हैं थोड़ा कि भाई दिन में कुछ हमें दिखता या नहीं दिखता। पिटबुल को दोबारा से लेके जाएंगे दिन में और दिन में चेक करेंगे कि वो कुछ करते हैं या नहीं करते। और भाई हंटर को भी ले जाने का सोच रहे थे रात में। भाई मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम इसको लेके चले गए ना तो ये संभाल में नहीं आएगा। ये रहा, ये मेरे हिसाब से डरेगा नहीं, वापस से अटैक ही करेगा इसको जो भी दिखेगा, ऐसा ही है। तो ये डिसाइड किया है गाइस कि ना 3-4 वीडियो के बाद हंटर को हॉन्टेड वाली जगह पे लेके जाएंगे और इसकी एक्टिविटी चेक करेंगे। उससे पहले ये न्यू ब्रीड है और भाई इसको भी पाल रहे हैं हम। अभी ना ये सिर्फ 3 महीने के है और जो इसके पंजे है ना हंटर के पंजे के बराबर होने वाले हैं। और ये देखो गाइस, ये हमने ना न्यू ब्रीड एक्सपेरिमेंट करके फाउंड किया है। तो गाइस ये ना डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो और ग्रेट डेन मिक्स है, पिटबुल की मिक्स और करेंगे। अभी गाइस जंगल में जा रहे हैं, ये देखो ओ ओ ओ ओ ओ अंटू चलता है ना, टाइगर की तरह चलता लगता, टाइगर जैसा मुंह है। देखो गाइस, ओ ओ ओ शेर की तरह दाढ़ है, शेर की तरह पूरा। अभी गाइस देखा आपने, राहुल भाई ने एक साइन ट्रेन कर रखा है, ये इससे ये एक्टिव हो जाता है। देखो 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 देखो, देख रहे हो गाइज हंटर। राहुल भाई एक बार और साइन दे इसको। अभी गाइज अटैक का साइन देगा, देखो 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 देखो, ज्यादा बार साइन दे देते हैं ना इसको, ये दिखता कुछ नहीं, ये कहता पागल क्यों बना रहा है, वापस आता फिर ये बेवकूफ नहीं है, ये एक दो बार देखने जाएगा उसके बाद मेरे पास ही आएगा, मेरे को पागल बना रहा, मेरे को पागल बना रहा। अंदर 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 चल, अंदर चल, चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर जाओ, चलो चलो फटाफट अंदर चलो। सीरी, ओ ओ सीरी सीरी, अंदर चल, मैं इधर लाऊंगा। ये देखो गाइस ऊपर शैडो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है ये। अच्छा चलेंगे, चले जंगल उस साइड है, चलो चल। ये देखो गाइस कंट्रोल में बहुत मुश्किलों से आता ही है। देखो गाइस सामने है जंगल, कहां से वहां से आजा आजा। गाइस जब ये फील्ड में आता है ना सारे कुत्ते भौंकते हैं पर पास में कोई नहीं आता, बस गिरा देगा। अब ये देख लो जितना ये खींच के ले जा रहा है ना हंटर, इससे डबल से भी ज्यादा है। सो गाइस देखो ये थी वो जगह जब हमने एंट्री की थी, दूर दूर तक जो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं ना ये सब जंगल है। गाइज यही थी वो जगह रात के टाइम, और ये देखो काफी ज्यादा झाड़ी है, ये देखो ये रोड आ गया वो। चाचा कुएं का रास्ता कौन सा था, यहाँ पे दो रास्ते जा रखे हैं, कुएं का रास्ता ये वाला था पक्का पक्का है, ये तो रास्ता बंद है, कुएं वाला रास्ता यही था। देखो गाइस कट वाले तार लगा रखे हैं यहाँ पे, दूसरे वाले रास्ते पे चल के देखते हैं एक बार। सो गाइस अभी इस रास्ते पे जा रहे हैं, शायद मुझे याद है यार उस रास्ते पे गए थे कुआं देखने, और यहाँ पे टायरों के निशान भी है, शायद ट्रैक्टर वैक्टर भी आते होंगे यहाँ पे। राहुल भाई एक चीज बता यार, पिछली बार क्या हो गया था, पूछ वगैरह नीचे हो गई थी इनकी। भाई कुत्ता जब सहम जाता है किसी चीज से, डर जाता है, उसको फील होता है कि हाँ कुछ डरना चाहिए, ऐसी कोई चीज उससे बड़ा जीव हो सकता है, जैसे कोई भेड़िया दिख गया। पिटबुल जल्दी से किसी से डरता भी नहीं है, अर्जेंटिनो से भी नहीं डरता वैसे तो, बेशक उससे भी नहीं डरता है ना, बिट तो उससे भी जाता वो, क्या आता ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ के बाहर होती है। गाइस मुझे भी यकीन नहीं था कि भाई पिटबुल ऐसे भागेगा, हम ये सोच के चले थे कि भाई पिटबुल को कुछ दिखेगा और वहाँ पे भौंकेगा उसके ऊपर अटैक करेगा, पर उल्टा हो गया था। पिछली वीडियो में पिटबुल डर के भाग गया था, पूछ भी नीचे हो गई थी उसकी। मजा तब आएगा जब अर्जेंटिनो को लेके जाएंगे। क्या प्रिडिक्शन है भाई कि अर्जेंटिनो डरेगा या नहीं डरेगा? वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल डॉग होता है, फियरलेस डॉग होता है, पुमा भी आ जाएगा तो डरेगा नहीं, वो भिड़ जाएगा। जो अर्जेंटिनो है ना भाई काफी ज्यादा संकी है वो, मतलब उसके सामने कुछ भी आ जाए वो डरता ही नहीं है, तो उसका संकीपन हम यहाँ देखेंगे। ये देखो गाइस दूर से दिख रहा है कुआ, इतनी जगह आ गई है, मैंने चाचा पहले ही आगे भेज दिए। ये देखो बहुत ज्यादा मतलब शैतानी कर रहे थे, तुमने देखे हैं आते आते, और अभी तुम देख लो ये कैसे खड़ा है, प्यास लगी है। शैडो क्या हो गया, शैडो क्या हो गया, दिखाइए दिखाइए दिखाइयो क्या हो गया शैडो, मैक्स मैक्स अब तू चलता क्यों नहीं शैडो, क्या हो गया, कैसे बैठ गया, क्या हो गया, देखियो कैसे बैठ गया यहाँ पे, देख फ्री छोड़ रखा, देख नहीं फ्री छोड़ते ही भाग नहीं जाता है, देखियो तो वो भी उसके पीछे छुपा हुआ है, देखो उसके पीछे छुप गया, ये बैठ गया, देख क्या हो गया चाहिए पता नहीं, देख कल तो ना था ऐसा है ना,
देखियो आज ऐसा लग रहा है कुछ डर सारे आए ना हुआ है। और ये था ना सामने रास्ता, देख पकड़े हुए, देख कैसे भाग रहा था, अंगा लगा रहा था, अरे बैठ गया, अब देख कैसे बैठा, ये सामने है क्या फिर चलोगे? यहाँ पे ना ये दूर दूर तक ये पेड़ ही पेड़ है और सिर्फ झाड़ियाँ हैं। रात के टाइम मुश्किल ही है यहाँ पे आना, पेड़ ही पेड़ है सामने जाके भी। अभी गाइस ये देखो हम वहां से आए हैं और ये सामने सारा जंगल पेड़ ही पेड़ और दूर दूर तक यहाँ पे पेड़ ही दिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ हंटर का ट्राई बनता है? संभाल में नहीं आएगा, संभाल में तो आएगा नहीं, ये ना संभाल में आ रहा, वो तो इससे बहुत ज्यादा, दो बंदे संभाल लेंगे उसको जब संभलेगा वो। ये इनकी पूछ नीचे की होगी, अभी बताओ दोबारा से, जहाँ पे स्केरी फील करता है वहाँ बेरा है। नहीं एक चीज बताओ, वहां तक तो कैसे देख भागता भागता नहीं आ रहा था? हमने भी खींच के ले रहा था ना, यहाँ इसके देख ले आने के बाद कुछ नीचे हो जाए, यानी कुछ ना कुछ तो इसने महसूस होता है, थोड़ी एक्टिविटी हो पैरानॉर्मल, लेकिन होगी जरूर। गाइस देखो हम कुछ नहीं बोल रहे, जो बोल रहा है ना इसकी हरकतें बोल रही है। शैडो हम भी वही अंदाजा ही लगा सके हैं कि सांप है। मतलब क्या चीज होती है ये? सांप है ना, हर साल में अपने जो खाल चेंज करता है, इतनी लंबी की लंबी पूरी की पूरी निकलती है वो। अच्छा। ये काफी दिन के शायद टूटी हुई मिलेगी, नहीं तो मैंने इतनी लंबी लंबी पूरी की पूरी देखी है। इसकी पूछ का हिसाब तो बता दे, अब तो अंदर ही चली गई, एक ऊपर जाने का रास्ता और एक इस साइड का, खत्म ही नहीं होगा। मतलब यार बहुत बड़ा ही है, कांटों से बचा के यार इसको वापिस भी जाना है भाई। कई रास्ते हैं, अगर रास्ता भटक गया दिक्कत भी हो जाएगी, फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा निकलते हुए। जो हम सोच के आए थे ना दिन में भाई कुछ मिल जाए, जानवर मिल जाए, दिन में नहीं मिलेंगे। आदमी जानवर से डरता है, जानवर आदमी से डरता है। अंदर दिखाने के लिए तो भाई हमने सीढ़ी जानी पड़ेगी। सीढ़ी चाचा अंदर दिखाने के लिए मना किया था ना आपने, झांकना नहीं, साइड गया था उस बंदे ने। और ये एक और रास्ता जा रहा है और देखो पिट बोलना उस साइड पूरा अटैक में हो रखा है। देखो देखो अभी आराम से चल रहा था, क्या हो रहा है इसको? देखो गाइस ये रास्ता भी काफी ज्यादा लंबा है, चल वापस लेके चल इसको। ये पेड़ कितने सारे हैं, चलने का रोड भी नहीं है इनके बीच में, झाड़ियों के बीच में ही हटा हटा के चलना पड़ेगा अगर जाए तो। पता नहीं गाइस ये कुएं के पास आते ही ना थोड़ा कैसा हो जाता है, पता नहीं आग नहीं जा रहा, आग क्यों नहीं रहा, ये कुएं को पार क्यों नहीं कर रहा? अरे कुआ ही तो है, कुछ नहीं, आ जा, एक काम कर इसको उठा ले, उठा ले इसको, चलो उठा के लेके चल, चल चलो चल चल चल, अब देखो कैसे तेज में भाग रहा है, देख। अरे भाई भगा के ले गया ये तो, क्या हो गया भाई, ले गया भाग के, पता नहीं क्या हो रहा है। वापस जा रहे हैं गाइस, अभी चाचा ये ना आ नहीं रहा था कुएं के पास से, बैठ गया था वहाँ पे, निकल ही नहीं रहा अच्छा? था। हाँ मैंने देखा यार, बैठ गया था ऐसे बिल्कुल और ना निकल नहीं रहा था ये, फिर छोटू इसको उठा के लाया। कोई ना कोई चीज देखियो, इसने कुछ महसूस हुआ भाई राहुल, एक बात तो फैक्ट है निको, ये जो डिटेक्टर होते हैं ना घोस्ट डिटेक्टर, ये मैं नहीं मानता कुछ भी, इनसे बड़ा डिटेक्टर कोई नहीं है, इसलिए घर में ना डॉगी होना बहुत जरूरी है। डॉग तो ऐसे वो बुराई अपने ऊपर ले लेते हैं सब कुछ, कुत्ता अपने सारी बुराइयां। अरे यहाँ पे वो कुएं का क्या चक्कर है, कुएं में रात में तो नहीं जाते ना, नहीं। रात में मत जाया करो भाई वहां पे। गाइस हंटर दूर से ही चिल्ला रहा है, अगर आपको आवाज आ रही हो तो, खाने का रखा हुआ है। ये देखो हमारा नन्ना पिटबुल, क्या नाम रख दिया इसका, रॉक। रॉक गाइस इसको भी पालेंगे। कितने बड़े ना कौन ओए, ओ बाय बाय। सो गाइस चाचा ना मेहंदीपुर जा रहे हैं, बालाजी मेरे हाथ में ना चीनू के कपड़े पकड़ा गए हैं, चीनू हमारे घर पे रुकेगा दो तीन दिन, तो गाइस चलो चलते हैं घर पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे और भाई जैसा पिछली वीडियो में हुआ था ना कि भाई हम सब डर गए थे और शैडो भी हरकतें कर रहा था, भगा के ले गया था हमें, तो उन सब चीजों को देखते हुए आज मैं दिन के टाइम चाचा राहुल मैं छोटू और दोनों पिटबुल उसी जगह पे गए थे और उससे थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करके आए हैं। तो भाई दिन के टाइम तो हमें कोई डर वाली फीलिंग आई नहीं, पर शैडो थोड़ी बहुत हरकतें कर रहा था दिन में भी। और गाइस ये मत समझना कि ये हॉन्टेड वीडियो का दूसरा पार्ट था, क्योंकि दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं रात को हंटर को लेके जाऊंगा, उसकी एक्टिविटी देखूंगा कि भाई वो डरता है या फिर वापसी अटैक करेगा। अब हंटर तुम्हें पता है कि डोगो अर्जेंटिनो है, डरेगा या नहीं डरेगा वो तुम कमेंट में बताओ मुझे। और गाइज अभी चाचा ना मेहंदीपुर बालाजी गए हुए हैं, चीनू को मेरे घर पे छोड़ गए, हफ्ते भर में वापस आएंगे, चाचा के आने के बाद ही हम वो वाली वीडियो शूट करेंगे। हाथ दुख गया यार। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।